क्यों डिफरेंस बताया? जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, जब हम अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे, तो उसमें सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करना है, रिकरिंग एक्सपेंस को नहीं। जब हम अकाउंटिंग करेंगे उस समय पे सारे खर्च कंसीडर करेंगे। कंसाइनी को गुड्स मिल गए, हो सकता है कुछ गुड्स अभी भी ट्रांजिट में हो, कंसाइनी द्वारा किए गए खर्च ये सिर्फ और सिर्फ मिले हुए गुड्स पे होते हैं, सारे गुड्स पे नहीं। कंसाइनर द्वारा किए गए खर्च ये सारे के सारे भेजे हुए गुड्स पे होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बेसिक कॉस्ट, कंसाइनर का खर्च, टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय गुड्स सेंट मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस यूनिट्स विद कंसाइनी। कंसाइनी द्वारा किया गया खर्च, टोटल कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय गुड्स रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस गुड्स विद कंसाइनी। अगर गुड्स ट्रांजिट में है और उसका वैल्यूएशन करना है तो बेसिक कॉस्ट, कंसाइनर का खर्च, टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल गुड्स सेंट मल्टीप्लाइड बाय गुड्स इन ट्रांजिट। कंसाइनी द्वारा किया गया खर्च ट्रांजिट वाले गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा। जब आप अबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करते हो तो वो भी इसी तरह से की जाती है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बेसिक कॉस्ट की जगह इनवॉइस प्राइस कंसीडर किया तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिमेनिंग माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग इज नथिंग बट इन्वेंटरीज रिजर्व। आगे ध्यान देने लायक बात, कंसाइनी की कमीशन, नॉर्मल कमीशन टोटल सेल्स और सेल्स एट आईपी मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, स्पेशल कमीशन जिस तरह से क्वेश्चन में दिया जाए उस तरह से इक्वेशन बनाए, क्योंकि अगर आपके इक्वेशन में गड़बड़ तो आपके आंसर में गड़बड़ होगी।